जीतेगा जीतेगा ऊपर 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 सीधा सीधा हाँ जीतेगा। हम एक मकसद से जमा होकर है क्योंकि आज हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ा मुकाबला चलने वाला है और ये फाइनल मैच है। ऐ अल्लाह यहाँ पर कुतुब गौरी रहमतुल्लाह की बारगाह में जो हमारे कोलार के रिपोर्टर हजरत ये प्रोग्राम का इंतजाम किया गया और साथ में कुतुबगढ़ी मोहल्ला और दरगाह मोहल्ले के तमाम लोग यहाँ पर जमा होकर कुतुबगढ़ी बाबा के वसीले से दुआ मांगते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा भारत देश का नाम ऊंचा कर दे। ऐ अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को ताकत नसीब अता फरमा। आप या अल्लाह कुतुबगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सदके सुफल में आज हमारा हिंदुस्तान कामयाब हो जाए और वर्ल्ड कप जीत कर आए। बस इस मकसद से हम जमा हुए हैं। हमारी दुआओं को कुतुब बाबा के सदके में कबूल अता फरमा। हिंदुस्तान के लोगों को नमस्कार सलाम अलैकुम। आज यहाँ कोलार में जो आज हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, जिसमें हिंदुस्तान की शानदार फतह के लिए यहाँ पर दुआ करने के लिए खासकर हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास हमारे प्रेस के लोगों ने ये एहतमाम किया है। उसमें खासकर जो अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर खासिम साहब आए हुए थे, उसके बाद हमारे इस मोहल्ले के मुतवल्ली साहब आए हुए थे और मौजूद हैं यहाँ पर, और दूसरे इमाम साहब और दूसरे तमाम हमारे मोहल्ले के अहबाब यहाँ पर जमा होकर जो हिंदुस्तान की जीत के लिए यहाँ पर हजरत कुतुब बाबा के पास आकर दुआ कर रहे हैं। लिहाजा मैं मेरे तरफ से हमारे प्रेस वालों को, जिसमें नवीद पाशा यानी नयू साहब, रौनक साहब, परवेज साहब और प्रकाश सार साहब, इन्होंने ये इंतजाम किया है और ये दुआ का खुसूसन जो दुआ का एहतमाम किया है जिसमें तमाम लोग शामिल है। इंशाअल्लाह हमारा हिंदुस्तान आज कामयाब रहेगा। जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग देखना चाहते हैं और वहां से मोहम्मद शमी और सिराज साहब की बॉलिंग देखना चाहते हैं, जिन इन दो इन चार लोगों और तमाम 11 खिलाड़ियों की वजह से हमारे हिंदुस्तान को कामयाब देखना चाहते हैं। बोलो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की, अरे जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा।